माउथ में होते हैं, लार्ज बॉल्स होते हैं, हाइट के हिसाब से भी वो होते हैं। हार्ड प्लास्टिक के बच्चे होते हैं थोड़ा सा हाइट में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉल्स। और ये हेलो फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 5 डॉग बाउल्स फॉर बीगल। सो जैसे कि हमें पता है बीगल काफ़ी प्लेफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और परफेक्ट फैमिलीज़ में आराम से फिट भी हो जाते हैं। और उनके लिए बॉल ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बट इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अगर आप अपने डॉग के लिए एक बॉल सेलेक्ट करने जा रहे हैं या एक परफेक्ट बॉल देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फाइंडिंग द बेस्ट बॉल फॉर अ बीगल इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपको सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के एक बॉल लेना पड़ता है, स्पेशली उस बॉल में ड्यूरेबिलिटी हो, स्टाइलिश भी हो, प्लस क्लीन भी ईजिली हो जाए। हमें ऐसा बॉल चाहिए होता है फॉर अ डॉग या फिर फॉर अ बीगल। सो दे आर मैनी टाइप ऑफ बॉल्स इन द मार्केट। दे आर सॉफ्ट वाइट माउथ भी बॉल्स होते हैं जो लार्ज माउथ में होते हैं, लार्ज बॉल्स होते हैं, हाइट के हिसाब से भी वो होते हैं, हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। सो दे आर मैनी टाइप ऑफ बॉल्स मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स के लिए। लार्ज डॉग के लिए डिफरेंट होते हैं, स्मॉल डॉग्स के लिए अलग होते हैं एंड मीडियम डॉग्स के लिए अलग होते हैं। सो सेम वे जैसे आपको अपने डॉग के लिए बॉल चाहिए उसी हिसाब से आप साइज में प्रेफर कर सकते हैं एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी भी उसी हिसाब से देख सकते हैं। सो वो फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक बॉल्स। प्लास्टिक बॉल यूजुअली ड्यूरेबिलिटी भी उनकी अच्छी होती है, अफोर्डेबल होती है एंड प्लास्टिक बॉल जो है मोस्ट ऑफ द डॉग्स के लिए अच्छी होती है। बट सम हाउ अगर आपका डॉग छोटा है, लाइक वो इसकी टीथ नहीं हो रही है, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का है, तो प्लास्टिक बॉल उनके लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि बीगल्स जो है मोस्टली खेलने लग जाते हैं अपनी किसी भी चीज़ के साथ। तो अगर उनका खाने का बॉल प्लास्टिक का होगा तो बेसिकली वो उसको बाइट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं अपने बॉल को। तो आप बॉल उनका इस हिसाब से लें कि वो उनको च्यू ना कर पाए और उसका प्लास्टिक थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो और आप उसे बाइट करने ना दें। सेकंड बॉल इज सिरेमिक बॉल। सिरेमिक बॉल उन डॉग्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनके स्टमक सेंसिटिव होते हैं, सच एज पहले पॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डॉग बाइटिंग एज में है और वो बाई चांस अपने बॉल को च्यू कर जाता है सो वो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। आप प्रेफर कर सकते हैं सिरेमिक बॉल। सिरेमिक बॉल काफ़ी अच्छे होते हैं, इनफैक्ट सिरेमिक बॉल काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक वन, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर जो प्रेफर करते हैं सिरेमिक बॉल या फिर स्टेनलेस स्टील के बॉल्स प्रेफर करते हैं। तो आप सिरेमिक बॉल ले सकते हैं और सिरेमिक बॉल्स में काफ़ी अच्छे क्यूट क्यूट डिज़ाइंस भी मिलते हैं, प्लस उनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है इफ़ दे आर गुड मेड ऑफ बोन चाइना, आप उनका ले सकते हैं। प्लस उसमें डिज़ाइंस काफ़ी क्यूट क्यूट और बहुत प्यारे प्यारे आ जाते हैं। थर्ड इज स्टेनलेस स्टील डॉग बॉल। स्टेनलेस स्टील जो है बेस्ट होता है, दे आर ड्यूरेबल, नॉन टॉक्सिक होते हैं, डिशवॉशर सेफ होते हैं, इनफैक्ट ईजिली क्लीन भी हो जाते हैं, प्लस वैक्यूम सील्ड होते हैं क्योंकि आजकल जो स्टेनलेस स्टील बाउल्स आते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, प्लस उसमें नॉन स्लिपिंग रबर लगी होती है जिससे कि वो ग्रिप बनाए रखते हैं एंड डॉग उसे ईजिली मूव नहीं कर पाते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा भी होता है, इनफैक्ट वेट भी इसी को ही रिकमेंड करते हैं एंड ये लाइफ टाइम तक चलता है, इनकी वारंटी लाइफ टाइम तक रहती है। सो बट इफ यू शुड गो फॉर स्टेनलेस स्टील बॉल्स एज प्रिफर्ड फॉर योर डॉग एंड इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील में भी आजकल काफ़ी अच्छे डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी वैरायटी भी आने लग गई है, इनफैक्ट उस पर काफ़ी सारे डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं। फोर्थ वन इज़ एलिवेटेड बॉल्स। सो एलिवेटेड बॉल्स आपने देखे होंगे कि मोस्टली लार्ज डॉग्स के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि वो बड़े होते तो उनको अपने हाइट के हिसाब से फीडिंग करने की आदत होती है और एलिवेटेड बॉल्स जो होते हैं थोड़ा सा हाइट में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बॉल्स। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं फॉर लार्ज डॉग। अगर आपका डॉग बड़ा है लाइक जर्मन शेपर्ड, रिटीवर या ऐसे ही लैब्रास तो आप एलिवेटेड बॉल प्रेफर कर सकते हैं। सो लास्ट इज स्लो फीड डॉग बॉल। ये बीगल के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि हमें पता है कि बीगल बहुत जल्दी खाना खाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये आदत की वजह से इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी इनका स्टमक भी अपसेट हो जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम में इनको प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये बॉल उनके लिए ही है। इस बॉल की हेल्प से ये स्लोली खाना सीख जाते हैं और सेक्शन की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जगह से खाना पिक करते हैं
और इस वजह से इनका जो जल्दी ईटिंग की हैबिट होती है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है. सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट द बॉल्स विच यू कैन यूज़ फॉर योर डॉग, चाहे वो कोई भी डॉग हो, बीगल हो, रिटीवर हो या लार्ज डॉग्स हो, एनी टाइप ऑफ ब्रीड, आप उनके लिए बॉल एक सेलेक्टिव वे में लें. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर सकें. एंड माफू माफी, ट्रीट खानी है, खानी है ट्रीट, खानी है ट्रीट. अच्छा हाई फाइव, हाई फाइव, गुड एंड चेक, गुड गर्ल. लो ओके फ्रेंड्स, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. Oh!